जिला ऊना के पड़ोंगा में मंगलवार को पेश आए हादसे में एक मालवाहक वाहन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग इस हादसे में घायल हो गए। घायल सभी लोग पंजाब के जालंधर के निवासी बताए गए हैं, जो शादी समारोह में कारीगर का काम करने के लिए आती हैं। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रीजनल अस्पताल भेज दिया है, जबकि घायलों को अस्पताल में उपचार दिलाने के बाद एक व्यक्ति को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी की ब्रेक फेल होने के चलते ये हादसा पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मैं ड्राइवर हूं ना जी, ते गाड़ी जब मतलब बैरियर से पहले तो एक बार ब्रेक लगी, गाड़ी में रोकी तो दूसरी बार ब्रेक नहीं लगी तो मैंने गाड़ी बंद करके दूसरे गियर में छोड़ दी गाड़ी। लेदर से अपने आग निकल गई अपने क्लच पेटों से, तो बस 2-3 फोड़ मुड़े, गाड़ी तेज थी तो आगे खाई थी उसको मैंने मतलब नहीं भरा, मैं कच्ची उसमें मारा जाके। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जाना था? जालंधर से आए थे, पड़ोही जाना था, अपने ब्याह शादी टिक्की का काम करते हैं, बर्गर टिक्की का। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? 8 ही। तो सभी लोग ठीक है? हाँ ठीक है, चल रहा है। क्या हुआ आपके साथ आज? बैरियर तो थोड़ी जी मर्जी कटाई, बैरियर तक थोड़ी जी अभी गई, अभी गड्डी की ब्रेक फेल हो गई, अभी जो कराई आती है तो ब्रेक फेल हो गई गड्डी की। हाँ ड्राइवर ने बड़ी संभाली गड्डी पर नहीं समझी, तो जे इधर नु कट मार से खाई जाने ड्राइवर ने अपने आप उस मिट्टी ने चाड़ी गड्डी, मतलब गड्डी स्पीड ना ही पलटी खा गई, कुछ बंदे अगे नु डगे कुछ बंदे पीछे नु डगे। कितने लोग थे गाड़ी में? 8-9 जने है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।